किचन को ऑर्गेनाइज करके रखना हम सभी को पसंद है, लेकिन जब भी हम किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए जाएंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ ऑर्गेनाइज़र की। हमें ऑनलाइन हो या फिर मार्केट हो, हमें सभी जगह अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र मिल जाएंगे, लेकिन ये ऑर्गेनाइज़र जो है ये हमें बहुत ज़्यादा महंगी प्राइस में मिलती है। तो घर पर ही पड़े बिल्कुल बेकार सामान से हम किचन के लिए बहुत अच्छा अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। हाय, वेलकम टू आई क्रिएटन ब्लॉग। मैं हूँ कनिका और इस चैनल पे मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत सारे ऐसी वीडियो जो घर और किचन से जुड़ी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र जो हम बिल्कुल बेकार सामान से बनाने वाले हैं। और ये सब सामान जो हम आज बनाने वाले हैं ये बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल है अपने किचन के लिए। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम घर के लिए या फिर किचन के लिए ऑर्गेनाइज़र हम खुद घर पे बनाएंगे तो आप देख लीजिएगा कि जो बॉक्स हम ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्टर्डी हो, स्ट्रॉन्ग हो, और तभी जो हमारा ऑर्गेनाइज़र हम बनाएंगे वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेगा, अच्छा बनेगा। कभी कभी हम किचन के लिए जब भी सामान खरीदते हैं, कुछ यूटेंसिल्स वगैरह खरीदते हैं, तो हमें बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी की जो है बॉक्स मिल जाती है। जैसे कि ये बॉक्स मुझे एक सॉस पैन खरीदते वक्त मिला था, तो ये बॉक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसको मैंने रख दिया था। और उसके बाद जो ये फ्रंट साइड है इसको मैंने कट कर लिया और इस तरह से मैंने इस बॉक्स को कट कर लिया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखा रही हूँ, तो इसी तरह से मैंने जो बॉक्स की जो फ्रंट साइड की हाफ पोर्शन है उसको काट ली है और ऊपर की जो लीड है उसको भी मैंने रिमूव कर ली है। तो इसको मैं रैप करूँगी, मेरे पास एक पहले से ही वॉलपेपर है तो इसका मैं यूज़ करूँगी इसको रैप करने के लिए, ये जो बॉक्स है। और उसके बाद हमारा जो है ये ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए, और जब भी आप वॉलपेपर लगाते हो किसी भी ऑर्गेनाइज़र बनाने में तो वॉलपेपर को बहुत सही से और बहुत केयरफुली इसको कट कर ले और अच्छे से इसको स्टिक करते हुए जाए, नहीं तो पेपर के अंदर जो है वहाँ पे बबल आ सकती है। तो हमारे पास कितने सारे लीड्स होते हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा लीड्स भी हम रखते हैं जो कभी कभार हमें काम आती है, और जो सॉसपेंस वगैरह की है वो भी लीड आती है तो उसका भी लीड को हमें ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र हमने अभी बनाया है ये हमें लीड ऑर्गेनाइज़र करने में बहुत अच्छे से मदद करेगा। और ये देखिए, हमने सारे जो लीड्स है उसको अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर ली है। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र को आप कैबिनेट के अंदर भी अच्छे से रख सकते हो जिससे कि आपका जो लीड्स है वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे। और इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना के आप अपने सारे जो चॉपिंग बोर्ड है या फिर ट्रे है उसको भी अलग अलग रख के अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो ऐसा अगर आपको कार्डबोर्ड बॉक्स मिले तो आप इससे अच्छे से एक बॉक्स बनाइए जिससे कि आप अपने लिए एक बहुत अच्छा आपके लिए लीड ऑर्गेनाइज़र बना सके या फिर ट्रे ऑर्गेनाइज़र बना सके। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक और एक कार्डबोर्ड बॉक्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मेरी एक कढ़ाई जब मैं ख़रीदी थी तो ये बॉक्स मुझे मिल गया था, तो इसको मैंने बहुत संभाल के इसको रख दिया था। तो इस बॉक्स से मैं नेक्स्ट हैक को बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, यहाँ के जो लीड है ये मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। और इसके बाद ये जो प्लास्टिक की हैंडल है आगे में उसको भी मैं रिमूव करूँगी। और उसके बाद मैं इसी तरह से जो वीडियो में आपको दिखा रही हूँ तो इसी तरह से मैं एक साइड को कट कर लूँगी। और उसके बाद वही जो वॉलपेपर मेरे पास थे इसको पूरे बॉक्स में जो है वहाँ पे मैं रैप कर लूँगी। जो जो ओपन एरिया है उन सभी को मैं वॉलपेपर से ढक दूँगी। तो ये देखिए, ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो गया है जो आपको ऑनलाइन हो या फिर मार्केट में हो बहुत ज़्यादा महंगी आने वाली है, लेकिन अगर आप इस तरह से बना लेंगे घर पे ही तो देखिए हम कितने सारे स्पेस को हम यूटिलाइज़ कर सकेंगे, वर्टिकल स्पेस को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमने आप जो चाहे वो भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ
ऊपर मसाले रखे हैं और नीचे प्लेट रखे हैं, लेकिन आप प्लेट्स, बॉल्स ये सब भी नीचे में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो, और इसको आप कैबिनेट के अंदर रख के भी अच्छे से आपके जो क्रॉकरीज है उसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। हम सभी के पास ऐसा जो जैम का बॉटल है ये तो रहता ही होगा, और इसको भी हम बहुत अच्छे से एज अ ऑर्गेनाइज़र की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं अपने घर पे, छोटे मोटे सामानों को रखने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इस तरह से नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको अच्छे से एक DIY भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने पहले यहाँ पे थोड़ा मास्किंग टेप यहाँ पे लगा ली है बीच में ही, और उसके ऊपर मैं अभी और दोनों बॉटल पे ही मैं अभी यहाँ पे सिल्वर स्प्रे पेन कर रही हूँ। और उसके बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद मुझे यहाँ से ये जो मास्किंग टेप हमने पहले लगाई थी इसको यहाँ से निकाल लेना है। और फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो जैम का बॉटल है ये कितना सुंदर और स्टाइलिश लग रहा है। और यहाँ पे हम छोटे मोटे सामान जैसे अजवाइन हो गया या फिर और कोई अलसी का जो सीड्स है वो हो गए, उसको भी अच्छे से यहाँ पे रख के हम स्टोर कर सकते हैं। और ये जो DIY कर लेने के बाद ये जो बॉटल का लुक है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो इसी तरह से हमारे यूज़ कर लेने के बाद अगर कोई भी जार हम फिर से यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे आप इस तरह का DIY कर सकते हैं। आप तो वैसे भी जिस तरह से है वैसे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप DIY करके बहुत ही अच्छा सा एक स्टाइलिश लुक भी दे सकते हैं, जिससे कि आपका किचन भी एक मेकओवर हो जाए किचन का भी। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो बॉटल है ये कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट DIY जो है वो भी हम कर लेते हैं। इसके लिए भी मैं एक जैम का ही थोड़ा बड़ा सा बॉटल ले रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास है एक जो जूट की जो एक फैब्रिक है वो है मेरे पास, तो इसको मैं यहाँ पे जस्ट रैप कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ और ये जूट रोप को इस तरह से मैं जो जार है इस पे इसके ऊपर मैं यहाँ पे इसको लगा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक वाइट कलर की लेस है मेरे पास, और इस लेस को भी मैं ये जूट फैब्रिक जो यहाँ पे मैंने स्टिक कर ली है उसके ऊपर बीच में से मैं इसको लगा लेती हूँ, वो भी ग्लू गन की मदद से। और उसके बाद हो तैयार है हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है, ये बनके तैयार हो गया है। कितने सारे हमारे पास जैम का बॉटल रहते हैं, तो इस तरह का हम सेट भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम फोर्क या स्पून रख के इस पर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, तो कितना अच्छा लगता है अगर हम काउंटर टॉप पे भी इसको हम रख देते हैं या फिर हम डाइनिंग पे भी इसको इस तरह से रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप जैम का बॉटल का बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं अपने घर पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हैक के लिए मैं यहाँ पे एक प्लास्टिक कंटेनर की लीड ले रही हूँ, और ये जो प्लास्टिक कंटेनर थी वो थोड़ा क्रैक हो गया था, तो इसीलिए मैं उसका यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये लीड बचा हुआ था तो इसके ऊपर मैं अभी एक DIY करने वाली हूँ, जो आप बाद में यूज़ कर सकते हो अपने घर पे, कहीं पे भी, अपने लिविंग रूम पे, अपने जो डाइनिंग एरिया है वहाँ पे, या फिर आप किचन में भी उसको अच्छे से किचन में भी लगा के रख सकते हो एज आ ट्रे की तरह। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ ये ट्रेड, और इसको मैं इस तरह से घुमाते हुए ग्लूगन की मदद से पूरी जो लीड है उसको कवर कर लूँगी। और उसके बाद मैं इस ट्रे के साइड में थोड़ा पॉम लगा के इस ट्रे को थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ट्रे है ये बनके रेडी हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है। और इसको आप कहीं पर भी रख के डेकोरेट कर सकते हो, जहाँ पर भी आप चाहे। तो फ्रेंड्स, यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।